सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियाँ जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। आज का पंचांग 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात्रि 12:07 तक रहेगी। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नामक नक्षत्र रात्रि 11:18 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:32 से 2:12 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर 4:33 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मकर राशि 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार, दूसरे लोग आपके करिश्मा और आकर्षण की तरफ खींच रहे हैं। धन लाभ भी आपको खुश कर सकता है। खर्च करते समय समझदार बने और अधिक खर्च ना करें। घरेलू मतभेदों से बचने के लिए अच्छे से बात करें और सुने। आज आपके जीवन में बड़ा भाई बहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज आपके ग्रहों में आत्म अनुभूति गहरी ध्यान का योग है। अपने रोजाना के कार्यक्रम से कुछ वक्त निकालें ताकि आप यह जान सके कि आप क्या हैं और आपको क्या करना है। यह आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कामों से महान बनता है। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा। आपसे मेल मिलाप घर में खुशियाँ और ऊर्जा भरा माहौल बनाएगा। किसी पारिवारिक व्यक्ति की बेहतरीन उपलब्धि खुशी को और बढ़ाएगी। खर्चों की अधिकता भी परेशान नहीं करेगी। जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है ऐसी बातों की चिंता करना फिलहाल छोड़ दें। भविष्य से संबंधित बातों को सुधारने के लिए वर्तमान में प्रयत्न करना आपके लिए जरूरी होगा। हर बार किसी निर्णय को लेने से पहले अन्य लोगों पर बन रही निर्भरता आपको कमजोर कर सकती है। पैसे कमाने के लिए एक से अधिक स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। पार्टनर अपने स्वभाव के अनुसार आपके साथ व्यवहार रखेंगे जिसकी वजह से उन्हें समझ पाना कठिन लगेगा। सावधानियां, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत मामलों में ना होने दें, वरना घर का सुखद माहौल में हल्की फुल्की नोकझोंक उत्पन्न हो सकती है। आप अपने विवेक व समझदारी द्वारा किसी भी मसले का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप किसी खास का साथ चाहते हैं तो क्लब या साझेदारी का हिस्सा बन जाएं। नए समूह और नए वातावरण में आपको कोई ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहेंगे। चोरी या दुर्घटना से सावधान रहें। अपनी आत्मा की गहराइयों में झाँक कर अपने बारे में जानने की कोशिश करें। अपने जीवन साथी के साथ अपनी मनोस्थिति के बारे में चर्चा करें, इसे आप आरामदायक महसूस करेंगे। अगर आप थोड़ी सावधानी नहीं बरतेंगे तो पूरा दिन फिजूल के कामों में व्यस्त रह सकते हैं। सब कुछ भूलकर अपने प्यार व रोमांटिक जीवन पर ध्यान दें। बात करते हैं करियर की। अपने करिश्मे और कौशल से आप आज कई फैन और शिष्य बना लेंगे जो किसी भी परेशानी में आपका साथ देंगे। समूह या साझेदारी के कार्यक्रमों में भाग लेने से आप नए रिश्तों के बनने के साथ साथ आपको नए आइडियाज भी आएंगे। अचानक कई घरेलू मुसीबतों के प्रति सावधान रहें। आत्मज्ञान के कुछ चरण आज आपके कार्ड्स में हैं। अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकालकर सोचें कि आप आज कहाँ हैं और भविष्य में आप क्या पाना चाहते हैं। निसंदेह इससे आपको आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी। परिवर्तन मनुष्य के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, इसलिए बदलाव को खुशी से स्वीकार करें। बात करते हैं सेहत की। महिला वर्ग को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।
क्योंकि किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने की आशंका बनी हुई है। एलर्जी से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें शुभ रहेगा, पैसों का दान कर सकते हैं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।